हेलो स्टूडेंट, टुडे वी सी द टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी इन कंट्रोल सिस्टम. ओके, सो सी वन बाय वन टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी. द फर्स्ट इज द बेस्ड ऑन द ट्रांसफर फंक्शन प्रॉपर्टीज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी. ओके, यहाँ पे जो है आपके टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी कितने हैं बेस्ड ऑन ट्रांसफर फंक्शन प्रॉपर्टीज. इट इज फर्स्ट वन, इट इज एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, एंड नेक्स्ट वन इट इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी. ओके, सो ये दोनों स्टेबिलिटी के दो टाइप्स हैं. ये हम लोग आज हम डिटेल्स में देखने वाले हैं. ओके, सो सी द फर्स्ट वन, इट इज द एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम. ओके, दैट इज द एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी. सो सी द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द प्योर एक्सपोनेंशियल. ओके, दिस वन इज द प्योर एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एंड दिस इज द डैम्प्ड ऑसिलेशन, बिकॉज दिस इज द ऑसिलेशन. ओके, सो सी द फर्स्ट, एंड दिस इज द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम. ये जो है दोनों, ये क्या है, स्टेप रिस्पॉन्स है किसके, जो भी स्टेबल सिस्टम है अपने एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम है उसके स्टेप रिस्पॉन्स है. तो फर्स्ट पॉइंट देखो, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी इंडिकेट्स वेदर द सिस्टम इज कंप्लीट स्टेबल, अनस्टेबल और कंडीशनली स्टेबल. ओके, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी क्या इंडिकेट्स करता है, अपनी सिस्टम जो है कंप्लीटली स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है या फिर कंडीशनली स्टेबल है, ये क्या इंडिकेट करता है. ओके, सो सेकेंड पॉइंट देखो, अ लीनियर सिस्टम इज सेड टू बी एब्सोल्यूट स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर ऑफ द सिस्टम. ओके, जो भी लीनियर सिस्टम रहेगी वो क्या रहेगी, एब्सोल्यूट स्टेबल रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू जो भी सिस्टम के पैरामीटर्स है. ओके, देन इफ द सिस्टम रिस्पॉन्स इज स्टेबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ दिस पैरामीटर. ओके, वो जो सिस्टम के रिस्पॉन्स है वो कैसे रहेंगे, स्टेबल रहेंगे सभी वैल्यूज के पैरामीटर के इस पे. ओके, सो नेक्स्ट देखो, इफ क्लोज लूप पोल्स ऑफ अ सिस्टम आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुकेट विथ अ निगेटिव रियल पार्ट, देन दैट सिस्टम इज एब्सोल्यूटली स्टेबल. ओके, सो एब्सोल्यूटली स्टेबल सिस्टम कब रहेगी, जब भी क्लोज लूप पोल्स जो है सिस्टम के वो क्या रहेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रहेंगे और निगेटिव रियल पार्ट रहेंगे, तभी वो जो सिस्टम है वो कैसी रहेगी, एब्सोल्यूटली स्टेबल रहेगी. ओके, सो नेक्स्ट देखो क्या है, एब्सोल्यूटली स्टेबल सिस्टम प्रोड्यूस अ डैम ऑसिलेशन एट द स्टेप रिस्पॉन्स. ओके, जो भी एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम रहेगी वो क्या प्रोड्यूस करेगी, डैम्प ऑसिलेशंस क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी स्टेप रिस्पॉन्स में. ओके, सो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए आपके, कि जो भी एब्सोल्यूट सिस्टम है या एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम है वो क्या क्रिएट करेगी, दैट इज द डैम्प ऑसिलेशन इन स्टेप रिस्पॉन्स. ओके, सो सी द नेक्स्ट, दिस इज द सेकेंड टाइप of stability, that is the relative stability. Okay, so see the first point. The first point is that in practical systems, it is not sufficient to know that the system is stable. Means practical system में क्या होता है, अपने को पता नहीं रहता है कि ये system जो है वो sufficient क्या है, stable है. But the stable system must meet the specification on relative stability, which is the quantitative measure of how fast the transient die out in the system. Okay, जो practical system है उसमें आपको पता नहीं रहता है कि system क्या है, sufficient जो है stable है या नहीं, लेकिन जो भी stable system है उसमें कुछ कुछ क्या रहते हैं, specification रहते हैं जो relative stability क्या करते हैं, विच मेजर द क्वांटिटी. ओके, और उसमें से आपको क्या पता चलता है कि आपका जो भी सिस्टम का ट्रांजिएंट है वो कितना फास्ट हो रहा है या कितना फास्ट डाई आउट होगा सिस्टम से. ओके, सो सेकेंड है देखो, द रिलेटिव स्टेबिलिटी मे बी मेजर्ड बाय रिलेटिव सेटलिंग टाइम्स ऑफ ईच रूट्स और द पेयर्स ऑफ द रूट्स. ओके, जो भी रिलेटिव स्टेबिलिटी है हम लोग कैसे मेजर करेंगे, जो भी रिलेटिव सेटलिंग टाइम्स रहेगा, जो भी रूट पेयर्स
या पेयर्स ऑफ रूट्स का जो भी सेटलिंग टाइम्स रहेगा उस पे से हम लोग क्या मेज़र करेंगे, दैट इज़ द रिलेटिव स्टेबिलिटी मेज़र करेंगे. ओके, सो द सेटलिंग टाइम ऑफ पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रियल पार्ट ऑफ द रूट्स. क्या होता है, जो भी आपका सेटलिंग क्या होगा, टाइम होगा, सेटलिंग टाइम ऑफ द पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रहेगा पोल्स का, वो क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा अपने रियल पार्ट ऑफ रूट्स को. ओके, सो नेक्स्ट देखो, एज द रूट्स मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम द इमेजिनरी एक्सिस द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इम्प्रूव्स. मीन्स जो भी अपने रूट्स रहेंगे वो अगर क्या होंगे, फर्दर मूव्स अवे फ्रॉम द इमेजिनरी एक्सिस. मीन्स जो भी इमेजिनरी एक्सिस है, अगर अपने रूट्स क्या होंगे, ये इमेजिनरी एक्सिस से क्या होंगे, दूर हो जाएंगे, फर्दर मूव्स अवे हो जाएंगे, तो क्या होगा, जो भी रिलेटिव स्टेबिलिटी होगी अपनी सिस्टम की वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी. ओके, तो सो इसमें भी आपको जो बताया, देखो रिलेटिव स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट एरिया क्या बताया, द रिलेटिव स्टेबिलिटी इम्प्रूव एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इमेजिनरी एक्सिस ऑन द हाफ ऑफ द एस प्लेन. ओके, ये क्या है आपकी इमेजिनरी एक्सिस है, अगर इमेजिनरी एक्सिस के क्या हो रहा है, ये मूव अवे हो रहा है जो भी रूट्स है, तो वो क्या होगी, जो भी स्टेबिलिटी होगी सिस्टम की, रिलेटिव स्टेबिलिटी, वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी. ओके, सो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी. इन दैट वी सी द टू टाइप्स. ओके, सो द लेक्चर विल बी एंड. थैंक यू.